कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए। समय दिया जाए, कितना समय दे भाई, कितना समय दे, मुझे तो समझ नहीं आती है। समय समय करते करते आप लोग के 10 साल पूरे हो गए सर, क्या किया आप लोगों ने? पहले से आप देखो कई गुना कम हुआ है। मेरे को तो लगता है कह रहे कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। भाई कैसे कम हो गया, रोज तो विजिलेंस किसी ना किसी अधिकारी को पकड़ के बैठी होती है, कभी कोई तहसीलदार पकड़ा गया तो कभी कोई डीटीपी पकड़ा गया, कार्यवाही होती नहीं है, अंदर उनको डालते नहीं है, अरेस्ट उनकी होती नहीं है। क्या आपस में गेम खेल रहे थे डीटीपी तहसीलदार? डॉक्टर्स वहां पर है नहीं, स्टाफ वहां पर है नहीं, काम वहां पर होते नहीं है, लोग तड़पते। लिस्ट खोल कर देख लेनी चाहिए कि कितने परसेंट लोग रोज रेफर हो रहे हैं, क्या हो गया ऐसे डॉक्टर्स का, जब इतने करोड़ों रुपए लगे। एक बात बताओ, वहां पर डॉक्टर्स पूरे क्यों नहीं है? स्टाफ लगातार लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस वालों का इंटरव्यू करो, बीजेपी वाले कहां पर है? तो आज बीजेपी कार्यालय में हम लोग पहुंचे हैं, देखते हैं अब यहां पर कौन सा बीजेपी नेता हमें मिलता है, क्योंकि अक्सर मिलते तो नहीं है। अभी यहां देखते हैं जिला अध्यक्ष के रूम में कौन मिलता है, जिला अध्यक्ष मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? अरे अरे अरे, रूम में तो जिला अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन भटला जी जरूर बैठे हैं, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ एक मिनट? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो आप, पहले तो ये बता दो। बहुत बढ़िया लग तो नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी जैसे कि कर्नाटक में आप लोग देख चुके हो कांग्रेस की सरकार है, ये बीजेपी तो बौखलाई हुई है सुना है। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, राजनीति है, राजनीति के अंदर कभी भी हार जीत दोनों पक्षों की होती है। कभी सारे देश में कांग्रेस थी, कभी सारे देश में बीजेपी थी। कर्नाटका है एक, किस तरह वो आपको भी पता कि किस तरह कर्नाटका के अंदर कांग्रेस बनी है, कि सारे के सारे विपक्ष इकट्ठा हो गया तभी कांग्रेस बनी है। बीजेपी की हार नहीं है, वो तो विपक्ष मिलके लड़ा है और सारे मुस्लिम जो सारा वोट एक तरफ हुआ उसका नाम। करने तो मैं जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू आई थी, बट उनके रूम में आप फंस गए, मेरे को जवाब चाहिए बाप से मेरे को आज। नहीं मैं फंसा नहीं, आप अपना पूछो, जिला अध्यक्ष जी भी आने वाले और मैं बैठो तब तक। थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठ जाओ सर, एक बार इस साइड आ जाए एक बार थोड़ा सा। अब जनता कह रही है कि भाई सरकार का ना अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, काम जीरो, क्या कहना चाहोगे? आप कैसे कह सकते हो अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है? अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार पहले से आप देखो कई गुना कम हुआ है। मेरे को तो लगता है कह रहे कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। भाई कैसे कम हो गया, रोज तो विजिलेंस किसी ना किसी अधिकारी को पकड़ के बैठी होती है, कभी कोई तहसीलदार पकड़ा गया तो कभी कोई डीटीपी पकड़ा गया, कार्यवाही होती नहीं है, अंदर उनको डालते नहीं है, अरेस्ट उनकी होती नहीं है। क्या आपस में गेम खेल रहे थे डीटीपी तहसीलदार जब पिछले पहले पकड़े गए? तो सारे अरेस्ट हुए, सारे को अंदर डाला, सबके ऊपर केस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं डाला। और पहले आप सरकारों में देख लो कितनी करप्शन थी, कभी कभी विजिलेंस का छापा पड़ा हो, कोई पकड़ा जाता हो। अब लगातार कोई गलत काम करता है, सारे पकड़े जा रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। कोई कह दे कि ये हमारा कार्यकर्ता है, हमारे साथ का है, हमारे परिवार का। वही चीज तो मैं कह रही हूँ, पकड़े जा रहे हैं, तभी तो कह रही हूँ करप्शन बढ़ रही है, तभी तो इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। ये सारे के सारे आप देखोगे सब कांग्रेस के राज के भर्ती हुए हैं, पुराने बैठे हैं, कोई आज का नहीं है। आज आप मतलब यही रह गया, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों पे मटका फोड़ेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों पे मटका फोड़ेंगे, कह रहे कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुए थे। अच्छा फिर ये भी मान लो कांग्रेस के टाइम पे कल्पना चावला के बारे में मतलब पास हुआ था सब कुछ, कांग्रेस के टाइम, कांग्रेस की वजह से कल्पना चावला आज है यहाँ? कांग्रेस ने पास किया, परंतु उनकी चाल बनाने की, उनका सिस्टम बनाने का पता नहीं कितने सालों में बनता जाके और 10 साल लग जाने थे। बीजेपी की आती उनको स्पीड बना और वो आपके पब्लिक के लिए तैयार हो गया। पब्लिक के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन पब्लिक को ये भी पता है कि डॉक्टर्स वहां पर है नहीं, स्टाफ वहां पर है नहीं, काम वहां पर होते नहीं है, लोग तड़पते रहते हैं और ट्रांसफर पे मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हो जाता है जाओ तो नहीं भी यहाँ पे ही आपका इलाज नहीं हो सकता, आपको कहीं और पे मतलब रोहतक पीजीआई या फिर चंडीगढ़ पीजीआई जो है रेफर किया जाता है, रेफर रेफर रेफर। कल्पना चावला में इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, कहां वो 550 करोड़ रुपए की लागत से एक वाइट बिल्डिंग खड़ी कर दी है, क्या है उसका? ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो रेफर, कितने के पेशेंट रेफर होते हैं? हर रोज 2 से 2500 पेशेंट वहाँ पे आते हैं, उनमें से जो जिनको कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा सीरियस है, वही रेफर होते हैं। दिन में 2 या 3 लोग रेफर होते होंगे मेरे हिसाब से। लिस्ट खोल कर देख लेनी चाहिए फिर आपको, लिस्ट खोल कर देख लेनी चाहिए कि कितने परसेंट लोग रोज रेफर हो रहे हैं, क्या हो गया ऐसे डॉक्टर्स का, जब इतने करोड़ों रुपए लगे। एक बात बताओ, वहाँ पे डॉक्टर्स पूरे क्यों नहीं है, स्टाफ पूरा क्यों नहीं, जितना होना चाहिए उतना अभी तक क्यों नहीं है? वहाँ काफी हद तक स्टाफ है, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट होगा कोई ना कोई कमी रह जाती है, नई भर्तियां लगातार हो रही हैं। और जो आप बार बार कह रहे हो कि रेफर बहुत कम रहे, आप भी लिस्ट निकाल के आप भी पढ़ो कि कितने लोग डेली रेफर हो रहे हैं। तो रोज सर वहाँ जाती भी हूँ, खबरें भी करती हूँ, देखती भी हूँ। मैं मेरा भी वहाँ हफ्ते में एक दिन जाना लगभग होता है, हफ्ते 10 दिन में मैं भी जाता हूँ,
ज्यादातर लोगों से मैं जाके पूछता हूँ, लोग संतुष्ट होते हैं कि हमें यहाँ हर तरह की सुविधा है। कोरोना काल के अंदर देखो जो सुविधा यहाँ मिली, दिल्ली का सारा पेशेंट यहाँ, देखो यूपी का पेशेंट यहाँ कोरोना काल में आया, यहाँ आखिर कुछ था तभी लोग यहाँ आ रहे थे ना। सरकार ने सुविधाएं दी हैं तभी लोग यहाँ आए हैं और बहुत लोगों को सुविधाएं मिली हैं। 75 पार का नारा देते देते थक गई बीजेपी, लेकिन अब बैसाखियां खिल रही हैं और इस बार तो हालात और भी बुरे हैं। क्या लगता है हरियाणा से भी विकेट गिरने वाली है? ये आपको परिणाम बताएगा आने वाला। हम 50 प्लस रहने वाले हैं, मैं नहीं कहता 70, 50 प्लस, चाहे वो 60 जाए चाहे 70 जाए, 50 प्लस हमारे इस बार कैंडिडेट जीत के आने। मैं ये कह दूं कि बीजेपी 75 से 50 पे आ गई। नहीं, बीजेपी पिछली बार 40 थी, 40 से अब नहीं, 75 पार के नारे से 50 पार का नारा। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे अपने हैं, अभी तो इलेक्शनों में 1.5 साल पड़ा है, 1.5 साल के अंदर कैसी हवा बनती है कैसी है, हो सकता है हम 75 पार ही दोबारा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी तो समय पड़ा है, तो कैसे विपक्ष कैसे सामने आता है, एकजुट होकर आता है, अलग अलग ये विपक्ष लड़ता है, सारे के सारे चोर चोर मुसेरे भाई जो कान खावा था ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्शनों के समय में। अच्छा, इलेक्शनों के समय पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, करनाल के बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिसमें ना तो आप सामने आए रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, ना आपके कोई और बीजेपी नेता सामने आए, बहुत सारे जनता के अंदर इस समय नाराजगी भी है और करंट है। अब मनाओगे कैसे जनता को? लगता है इस बार फिर से जनता मौका देगी? कौन से मुद्दे आप बताओ, किस मुद्दे में सामने आए सारे बीजेपी के, चाहे वो हमारे जिला देख। पहले तो आप लोग दरिया बिछा के बैठे रहते थे कमेटी चौक पर, भीड़ देखने को मिलती थी। कौन से कार्यक्रम में? अब हम सत्ता में हैं, हम काम कर रहे हैं, पहले काम नहीं होते तो हम सड़कों पे आते थे, आज की डेट में काम हो रहे हैं सारे के सारे, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष है, पूरी मेयर मैडम है, हमारे जगमोहन जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और पूरी जो मोर्चे की टीम है, सब काम करने में लगे हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे काम करने में लगे हो, मुझे ये बताइए डेयरी अभी तक शिफ्ट नहीं हुई, सब्जी मंडी वापस वहीं की वहीं पे आ गई है, भीड़ इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर रहती है, ट्रैफिक पर कंट्रोल नहीं है, क्या करा आपने? डेयरियां भी शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, डेयरियों की आधे से ज्यादा लोगों की वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो लोगों ने समय मांगा कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए। समय दिया जाए, कितना समय दे भाई, कितना समय दे, मुझे तो समझ नहीं आती है। समय समय करते करते आप लोग के 10 साल पूरे हो गए सर, क्या किया आप लोगों ने? जितनी स्कीमें लाए, अगर मैं बात करूँ शीरो रूम्स की, टोटल फेलियर, कितने रुपए खर्च हुए उस पे? अगर मैं बात करूँ ई टॉयलेट्स की, टोटल फेलियर, कितना रुपए खर्च हुए उस पे? क्या कहेंगे इनके बारे में? मैडम एक विषय को पहले पूरा करो, आप डेयरियों के विषय पर, 2000 से लगभग कांग्रेस के टाइम में पिछले 15-20 से क्या करूँ सर, नाकामयाबियां इतनी है कि विषय अगर मैं सुबह से शाम तक खोलूंगी लिस्ट पूरी। जवाब तो देने दोगे ना? आपने डेयरियों की बात करें, डेयरिया इस समय पिछले 15 सालों से विषय चल रहा था कांग्रेस के समय में, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। आज वहां लोगों को जगह अलॉट हो गया, लोगों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस साल के अंदर सारी डेयरियां वहां लगभग शिफ्ट होने वाली है। सब्जी मंडी भी आपने विषय उठाया, सब्जी मंडी भी वहां पूरी तरह अच्छी तरह चल रही है, वापस वहीं आ गई। कुछ रेहड़ियां हैं जो गरीब लोग हैं वहां आ गए हैं, उनको भी वहां स्थान देकर, रेहड़ियों को अलग खड़े करने का स्थान देकर उनको भी जल्द शिफ्ट किया जाएगा। अतिक्रमण की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा है, क्या करा अभी तक? मतलब बार बार जाती है प्रशासन की टीमें, जाती है नगर निगम की टीमें, जाती है वहां पे, 2 दिन मीडिया में खबरें चलती है, तीसरे दिन फिर वही बुरा हाल, क्या किया आप लोगों ने? जगह की आप बात कर रहे हैं, नेहरू प्लेस की आप बात कर लीजिए, करण गेट के आसपास की आप बात कर लीजिए, बहुत बार वहाँ नेहरू प्लेस वाली साइड से जो है कुंजपुरा रोड से बहुत बार रेहड़ियाँ हटवाई गई, जाती है प्रशासन की टीम, एक दिन रेहड़ियाँ हटती है, चलान कटते हैं, अगले दिन फिर से वही हाल, क्या हुआ? जो भी प्रशासन ने तय किया, एक पीली पट्टी वहाँ लगाई है, पीली पट्टी के बाद अगर कोई भी रेहड़ी या कोई भी व्हीकल वहाँ खड़ा होता है उसको उठाने वाली वहाँ टीमें हैं, बाकायदा ट्रैफिक पुलिस का है, कोई भी अतिक्रमण जो एक सीमा तय कर दी उस सीमा के अंदर अंदर सबको दे रखी है जगह की अपना व्हीकल। तभी तो मैं कह रही थी कि अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है आपकी सरकार का, क्योंकि एक दिन तो रेहड़ियाँ हटा लेते हैं, अगले दिन फिर से वहीं पर रेहड़ियाँ शिफ्ट, भाई एक दिन के लिए नाटक क्यों करने हैं फिर ये? ये तो कुछ तो पब्लिक को भी ध्यान करना पड़ेगा ना, पब्लिक को भी अपनी जिम्मेवारी समझ के उसको पूरा करना है। खाली प्रशासन या सरकार हर किसी को नहीं हटा सकती, सरकार ने एक सीमा तय कर दी, प्रशासन ने एक सीमा तय कर दी, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई भी होती है, कोई वहां खड़ा होता है तो उसको उठा के भी लेके आता है। कल फिर जब ज्यादा सख्ताई होगी तो कल को आप यही कहोगे कि गरीबों के ऊपर मार हो रही है, रेडियो वालों के ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार, तो सरकार को हर तो इसका सलूशन निकालना चाहिए ना, ऑल्टरनेट निकालना चाहिए इसका, ताकि गरीब मार भी ना हो और अतिक्रमण भी ना हो। दोनों में से आप बता दो कि कौन सा पक्ष ठीक है, आप वहां से हटाएंगे फिर वही बात है जो अभी पक्ष ऐसा ठीक है, उनको कोई एक सही जगह दी जाए कि तुम लोग यहाँ पर अपना काम कर सकते। तो सब कुछ जगह दिया, नई सब्जी मंडी में सब कुछ जगह दिया कि रेहड़ियां वहां जाके लगे, कहीं कहीं जगह जगह पे स्थान दिया, अभी 12 सेक्टर के अंदर स्थान दिया था कि वहाँ फूड पार्क, फूड की मार्केट बनाई कि वहाँ जाके खड़े हों, तो सबको दिया स्थान, अपनी जगह स्थान। नेहरू पैलेस में पीछे की तरफ भी बात चल रही है कि जो पीछे वाली नेहरू पैलेस में जगह है
वहाँ पे रेड़ियाँ की सफाई करके वहाँ रेड़ियाँ लगवाई जाएं। अभी प्रशासन से बात चल रही है और वो रेड़ियाँ वाले अगर एग्री करते हैं तो हम सब उन रेड़ियों को पीछे शिफ्ट करें। अच्छा बटला जी एक बात बताओ, ये बीजेपी वाले स्मार्ट सिटी के नाम पे ना प्रोजेक्ट्स बड़े इतने अच्छे अच्छे लाते हैं, मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतने कम है। जब शीरो रूम वाला प्रोजेक्ट आया ना, कॉन्सेप्ट आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि महिलाएं मार्केट में जाती हैं तो बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद साइकिल्स वाला आया, मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, पोल्यूशन कम होगा। उसके बाद आप ई टॉयलेट्स लेकर आए, मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। वॉशरूम ढूंढते फिरते थे आसपास, कहीं सड़क पे तो मिलता नहीं था। मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लेके आते, पार्क आप लोगों ने ऐसे ऐसे बनवा दिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें पार्क है नहीं है, लेकिन ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट फेल क्यों हो जाते हैं थोड़े समय बाद? अब मेरे को बताओ कौन सा फेल हुआ है? शीरो रूम पर ताले हैं। वो जो साइकिल वाला कर रहे हो वो पब्लिक की फैसिलिटी का आया था, पब्लिक ने उसको यूज नहीं किया। अब सरकार या प्रशासन थोड़ा यूज कर, पब्लिक के लिए पब्लिक यूज कर। शीरो रूम्स तो पब्लिक यूज करना चाहती थी, वहां पर कोई बैठा ही नहीं, ताले लग गए, गंदगी तो नहीं हो गई, क्या हुआ? आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी शीरो रूम पे ताले लगे हो। जो गंदगी है उसको भी सफाई के लिए, ठीक है आप ठीक कह रहे हो कि पीछे गंदगी हो गई थी, ताले लगे होते, सभी आज की डेट में ताले खुले हैं और सबकी सफाई होने शुरू हो गई है। करंताल पार्क का क्या हुआ सर? इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति और वो फवारे लगवाए गए थे, फाउंटेन्स बड़े प्यारे लगते थे, सच में बहुत प्यारे लगते थे, बंद पड़े हुए। वो भी चालू हो जाएंगे मैडम, कोई भी चीज़ है वो ख़राब होती है जब पब्लिक उसको लाती है, पब्लिक आएगी तो कोई भी चीज़ है पब्लिक प्लेस से वो ख़राब हो जाता है, उसको दोबारा ठीक करेंगे। कितने साल तक वो फाउंटेन निकल, पिछले 6-7 साल से बड़े अच्छे लोगों ने वहाँ आनंद लिया। शाम को वहाँ मैं अभी कई बार गया तो खूब पब्लिक होती थी, वो जो कलरफुल लाइट्स थी, फाउंटेन्स थे। होती थी है क्यों नहीं? तो दोबारा उसकी रिपेयरिंग होगी, कोई भी चीज़ खराब होगी उसकी रिपेयरिंग दोबारा होगी, दोबारा उसकी ट्रेंडिंग होगी, दोबारा रिपेयर होंगे, दोबारा फिर चल जाएंगे। अब पब्लिक जाएगी, कोई शरारत आता है, किसी ने छेड़ दिया, टूट गया, खराब हो गया, दोबारा वो रिपेयर होंगे। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक लाइफ है, वो लाइफ खत्म होगी, दोबारा ठीक हो जाएंगे। कब होगी सर? अब आपने ध्यान कराया और प्रशासन की तरफ है, उसका एस्टीमेट में कल चला गया नगर निगम तरफ, एस्टीमेट बन गया और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा कांग्रेसी नेता आजकल बड़ा ज्यादा निशाना साधे हैं, कहते भाई बीजेपी वाले नहीं देते इंटरव्यू, बीजेपी वाले नहीं आते मीडिया के सामने, ना बीजेपी वालों से सवाल कर सकते, उसको लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले, मेरे पास मेखल 4-5 न्यूज वाले चैनल वाले आए हैं, कभी हमने मना ही नहीं किया। आज आप बैठे हो तो आपकी इंटरव्यू लेने आया, आपने पहली बार आज फोन किया, कोई मेरी तरफ से मना हुआ हो कि आप ना हो, सब इंटरव्यू देते हैं। जिसके पास आप जाओगे, आप खाली कांग्रेस वालों के पास गए होंगे तो इसलिए उनको लगा होगा कि कांग्रेस वाले इंटरव्यू देते हैं, आज मेरे पास आए तो उनको मेरा इंटरव्यू दिखा देना। कांग्रेस वालों के लिए कोई मैसेज या आम आदमी पार्टी वालों के लिए मैसेज, किसी मतलब जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आने वाले समय में? क्या लगता है इस बार दोबारा से जनता आप लोग को मौका देने वाली है? बिल्कुल, हमारे को इस बार दोबारा मौका मिलने वाला है और पहले भी मौका दिया, और जितने काम बीजेपी सरकार के अंदर आपने काम गिनवा रहे हो, मैं भी अगर काम गिनवा दूंगा। पश्चिम बाईपास का काम आप देख लो कि पश्चिम बाईपास कांग्रेस कई सालों से, पश्चिम बाईपास की आप बात कर रहे हो, मैं बता देती हूँ पानी की निकासी का वहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है, बारिश आती है पानी इतना इतना भर जाता है, टूटता हुआ पड़ जाता है वो। आप किसी चीज की अच्छाई की तरफ जाओ, पश्चिम बाईपास बना उसमें ये मेरा तो काम ही बुराइयां करना है, मैं क्या करूं? अभी उसके अंदर जो समस्या आई पानी की वो हमें भी नजर आई है, उसके ऊपर वो चल रहा शेड बन रहा है और लगभग बन चुका है, वो बड़ी जल्दी इसी बरसातों से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। पश्चिम बाईपास की मैं बात कर रहा हूँ, चारों तरफ करनाल की जितनी भी एंट्रेंस है, चाहे वो कुंजपुर रोड हो, चाहे मेरठ रोड हो, चाहे इंद्री रोड हो, चाहे बलड़ी बाईपास है, चाहे काछवा रोड है, सभी रोड डबल बन गई हैं। और पहले आप देखते थे कि सड़कों का छोटे छोटे थे, और कितने शेरगढ़ टापू का जो यूपी की तरफ हम जाते हैं तो वो कितना नज़दीक, अब आज की डेट में हमें चाहे वो सहारनपुर जाना हो चाहे हरिद्वार जाना हो। शहर में चर्चाएं हैं कि भूमाफिया बड़े एक्टिव हैं, कौन है ये लोग, मेरे को समझ नहीं आ रही। कहाँ भूमाफिया एक्टिव है बताइए? कह रही हैं कि सरकार से जुड़े ही कुछ लोग हैं, कॉलोनियां कट रही हैं, अनऑथराइज्ड, मेरे को तो बात समझ, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। भाजपा की सरकार है ये, माननीय मनोहर लाल जी ने पहली बार ऐसे किया कि कोई भी कॉलोनी काटना चाहे वो अपना लीगल एक प्रोसेस बनाया है, उसमें प्रोसेस में अपना अप्लाई करे और वो कॉलोनियां काट ले। सेंट्रल गवर्नमेंट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्कीम है, उसमें लीगल कॉलोनियां काट लो। पहले 50-70 साल से इलीगल काम हो रहे थे, अब जब भाजपा ने कुछ लीगल शुरू काम किया है कि इलीगल वे में भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये पहली बार हुआ है। ये माननीय मनोहर जी ने किया या माननीय मोदी जी ने किया है, ऐसा पहले कभी नहीं था, पहले इलीगल कॉलोनियां ज्यादा थी। अगर भाजपा इतने काम कर रही है, इतनी चीजें आपने मेरे को गिनवा दी, ये प्रोजेक्ट वो वाला बाईपास या वो रहा, तो क्या लगता है कि
कर्नाटक की अगर मैं बात करूं और जगहों की अगर मैं बात करूं, क्यों नहीं लोगों ने आप लोग को मौका दिया इस बार, कहां कमी रह गई और क्या लगता है हरियाणा में इस बार दोबारा आपकी सरकार बन पाएगी या फिर यहां पे भी जनता नहीं चूज करेगी? देखो, आप कर्नाटक का एक विषय है, ठीक है, इलेक्शन है, कोई जीतता है कोई हारता है, लगातार पूरे भारत के अंदर भाजपा जीत के बार बार आ रही है। केंद्र की सरकार है, दो बार बन चुकी है, हमारे हरियाणा की सरकार दो बार है, आगे भी आने वाले केंद्र की सरकार लगातार 30-40 साल कहीं नहीं जाने वाली, हमारी हरियाणा की सरकार है, आगे भी माननीय मनोहर जी यहाँ बनेंगे और ये सरकार भी 10-15 साल और कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। कोई स्थान है, आप हिमाचल की बात करेंगे, वो लगातार हर 5 वर्षों में जब से उनका इतिहास है, जब से हिमाचल बना है तब से भी वो हमेशा बदला है, एक बार भी सरकार 10 साल नहीं बनी, तो भाजपा भी वहां पर बदले ही है। कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर जी उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो वो कहने लगे कि मैडम अगर आप RTI लगा लो ना नगर निगम की तो शायद आपका चैनल बंद हो जाए, मैं इतनी आपको दिक्कतें और इतने घोटाले गिनवा दूंगा, उनके लिए क्या कुछ एक मैसेज? चलो, आप जिला अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, वो जिला अध्यक्ष जी भी आगे हैं, जिला अध्यक्ष जी से भी जरूर बात करेंगे, पहले आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या कह रहे थे आप भूपेंद्र लाठर जी? उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम की सिर्फ RTI लगा दी जाए तो इतने घोटाले सामने आ जाएंगे कि आपका चैनल शायद बंद हो जाएगा। मैं भूपेंद्र लाठर जी करूंगा, मेरे को दो केस, एक केस भी बता दें कि इस फलाने अफसर ने रिश्वत ली और फलाने व्यक्ति ने रिश्वत दिया, मेरे को एक केस दे दो, कल ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको अगर रिश्वत प्रूव हो जाती है तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। मतलब कांग्रेस वाले अब लेके आएंगे तो आप गारंटी ले रहे हो उस चीज? बिल्कुल, 200% ही हमारी सरकार गारंटी ले रही है, पहले ऐसे काम जहां जहां में हमें मिले हैं उनको आपके सामने सस्पेंड किया, उनको टर्मिनेट किया, उनके ऊपर केस भी किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार, सबसे पहला मुद्दा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार खत्म तो कर ही नहीं पाए फिर भी आप लोग? भ्रष्टाचार कभी भी पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको कैसे आप खत्म करोगे? 10 साल पूरे होने वाले हैं, कब करोगे? आप पहले देख लो कि मैं कल भी बैठे हुए चर्चा कर रहा था कि जब भी पहले कोई सड़क बनती थी कि सड़क कागजों में बन जाती थी, टॉयलेट बनते थे कागजों में बन जाते थे, डेवलपमेंट कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कागजों में ही होती थी, आज आप देख रहे हो धरती के ऊपर डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई अफसर करप्ट होंगे आप कह रहे हो तो होंगे, तो आप उनका प्रूफ दो, हम उनको हटाएंगे, सस्पेंड करेंगे। तो ये थे हमारे साथ CM रिप्रेजेंटेटिव संजय भट्टा, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय, क्योंकि बहुत दिनों से लोग कह रहे थे भाई बीजेपी वाले कहां गायब है, कांग्रेस 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 लगी हुई है, बीजेपी वालों का इंटरव्यू करो, तो बीजेपी वालों का इंटरव्यू आज हमने आपको दिखाया। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अनिरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर, धन्यवाद।